अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदेश व्यापी पौधारोपण कार्यक्रम के तहत आज मानगढ़ में राजकीय महाविद्यालय हरिपुर ढलियारा देहरा व केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा के छात्र छात्राओं ने लगभग 3000 पौधे लगाए। वहीं देहरा ज्वालामुखी व जसवा परागपुर के 3 स्थानों के सभी महाविद्यालयों में भी 10000 पौधे रोपे गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देहरा के जिला संगठन मंत्री दीपक ने बताया कि जलवायु में जिस तरह परिवर्तन हो रहा है यह चिंता का विषय बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी वन तेजी से खत्म हो रहे हैं, इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश भर में 27 जुलाई को एक ही दिन में 1,00,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने पौधों को रोपने के बाद उनका संरक्षण करने के लिए एक पौधा एक विद्यार्थी अभियान भी चलाएगा। पौधारोपण अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आम लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने की बात कही है, ताकि वे भी पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग दे सके। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में 1,00,000 पौधारोपण एक साथ करने का अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत आज देहरा जो अपना जिला है इसके अंदर भी हरिपुरी इकाई, केंद्रीय विश्वविद्यालय इकाई और ढलियारा इकाई और अपना जितने भी यहाँ महाविद्यालय हैं उनके छात्र छात्राएं यहाँ अपने मानगढ़ में इकट्ठे हुए और कम से कम 2,500 पौधारोपण एक साथ किया गया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की समस्त इकाइयों को और हिमाचल प्रदेश की इकाई को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इस तरह के आगामी कार्यक्रमों के लिए भी युवाओं को प्रेरणा स्रोत अखिल भारतीय जो अपने ABP कार्यकर्ता संगठन है ये आगे बढ़ा रहे हैं। तहे दिल का उन्हें हम उनका धन्यवाद करते हैं और वन विभाग देहरा का भी हम तहे दिल से हार्दिक आभार करते हैं कि उनके कर्मचारियों ने भी यहाँ पूरा सहयोग दिया। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।